मानेगा नहीं रोड है। ये न्यू मुल्तान बी ब्लॉक और डब्ल्यू ब्लॉक के दरमियान में ये मेन रोड है। लेफ्ट पे जो है डब्ल्यू ब्लॉक है ये वाला, और जो है ये बी ब्लॉक है। ये सीधी मेन रोड जो है वो गुलशन मार्केट को जा रही है, मदनी चौक वाले फ्लाईओवर से क्रॉस होते हुए गुलशन मार्केट इंटर हो जाती है वाई और डी ब्लॉक पे। अल्लाह अकबर चौक का नाम है और अल्लाह अकबर इस कोठी का नाम है जिसकी वजह से इस चौक का नाम अल्लाह अकबर रखा है। ये अल्फला मार्केट, ये इकरा गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स का, न्यू मुल्तान एरिया का नाम है। ये जवेद पार्क है इसके करीब, ये देखेंगे ग्रासी प्लाट पार्क। न्यू मुल्तान के डब्ल्यू ब्लॉक में हम जा रहे हैं। न्यू मुल्तान हाउसिंग कॉलोनी का नाम है, मुल्तान के बाद इस कॉलोनी को न्यू मुल्तान का नाम दिया गया। कॉलोनी पुरानी है, फिर एक ग्रासी प्लाट आ गया इस घर के बिल्कुल करीब है। ये आप देखेंगे पार्क के करीब है ये घर, ये पार्क है। और इस गली में हम एंटर हुए और ये घर हम पहुंच चुके हैं। ये ग्रासी प्लाट हो गया, ये देखें घरों को देखें। ये आप देखेंगे कि ये ग्रासी जो प्लाट है इससे भी मैं व्यू दिखा दूं कि ये घर पर हमने जाना है और ये हम ग्रासी प्लाट के अंदर ही खड़े हैं। और ग्रासी प्लाट के साथ ही जो है वो मेन एक जामे मस्जिद भी मशहूर है, ये देखेंगे तो ये मस्जिद भी मशहूर इसके साथ ही है। घर के साथ ग्रासी प्लाट और मस्जिद है। अब हम अंदर ले चलते हैं आपको घर के। हाँ जी आ जाए, आ जाओ। ये मेहरान गाड़ी तो खड़ी होती है ना इसमें। अच्छा लाइट जलाइयो, बैठक है। कहाँ पे बंद किया? अच्छा इसी के, ये जो LCD है इसके साथ ये दरवाजा है। हाँ, ये बोर्ड के साथ दरवाजे की जगह वो पक्का बंद कर दिया। वैसे ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हो गई। अच्छा ये अटैच दरवाजा है।
ठीक है जी, चलो जी। अच्छा ठीक है, वो भी वॉशरूम हो गया। ये वॉशरूम तो ये ताबीन है हमारी। अच्छा ये ताबीन है, ताबीन मुंह धो रही है लगता है, और वो कह रही है कि पानी कहीं कम ना हो, टोटी उसने खोल दी। इसको भी चल करूंगा। ठीक है जी, ऊपर चलें। ठीक है, और वो रैक भी बने। और रैक भी बने। आ जाओ। हाँ जी, इधर आओ। अच्छा ये किचन हो गया जी, पर्दा जानते हैं। वो टेरेस है ना, मामा है। ठीक, किधर है? ठीक, ग्रासी ब्रांड का सिर्फ मैं वो दे दूँ। चलो अच्छा, ये कपड़ों की अलमारी होगी। ठीक, अच्छा इधर कमरा हो गया। अच्छा अच्छा ये किचन हो गया जी, इसको हम बंद भी कर सकते हैं। वो सामने वॉशरूम है इसका। अच्छा टिप्स लगी है ऊपर, चार से करिए। हाँ जी चलो। ये समझो मस्जिद भी होगी साथ ही। मकान की लोकेशन आपकी बहुत अच्छी पसंद आई है मुझे। दरअसल मकान उस वक्त का तो शानदार मकान था, अब नए नए नक्शे बन के बिल्डिंगें हो गई। Yeah.